माटे कार चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की जो हमारा वीडियो है वो है गाड़ी को जो डायग्नोसिस करने वाला, यानी कि कमर्शियल गाड़ियों को यानी कि ट्रक्स को जो डायग्नोसिस करने वाला जो टूल्स है, आज हम उसको डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे कि उस टूल्स में क्या क्या चीज अवेलेबल है और वो कितने ब्रांड को डायग्नोसिस कर सकता है। तो मेरे साथ मनीष है, वो आपको बताएंगे ब्रांड के बारे में। एक्चुअली हमने आर्शा मोटर्स हमने एक डायग्नोसिस टूल खरीदा है जो कि मल्टी ब्रांड डायग्नोसिस टूल है। इससे हम जितने कमर्शियल व्हीकल्स हैं इंक्लूडिंग मर्सिडीज, जिसमें बसेस हैं, अपने ट्रक्स हैं, ट्रक्स में भी अपने सारे सेगमेंट्स आ जाते हैं, अशोक लेलैंड हो गए, भारत मेज हो गए, आयशर हो गए, मान हो गए, इंक्लूडिंग टोटल कमर्शियल व्हीकल की जितनी भी गाड़ियाँ हैं हम उसका क्या करते हैं डायग्नोसिस कम्प्लीट करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है जो कि हमारे लिए हमें एक नई एरा के को रिप्रेजेंट करता है, आरक्षण को एक अच्छे स्टेप पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हम सपोर्ट करते हैं। हमारे जो राशिद अली हैं ये हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, हम दोनों ने मिलकर उनको एक मुहिम छेड़ी है उस कस्टमर्स के लिए जिन्होंने क्या कहते हैं परेशान रहते थे चीजों के लिए विदाउट डायग्नोसिस टूल। सपोज टाटा का डायग्नोसिस टूल हो, वो उन्हें टाटा डायग्नोसिस टूल लगाने के लिए उन्हें ओनली उनके ऑथराइज डीलरशिप पे जाना पड़ता था। आयशर की डायग्नोसिस टूल हो, उनको लगाने के लिए उनको आयशर डीलरशिप पे जाना होता था। भारत बेंज की डायग्नोसिस टूल हो, उनको लगाने के लिए भारत बेंज की ऑथराइज डीलरशिप पे जाना होता था। लेकिन हम सबको हमने क्या किया, कॉम्बाइन करके हमने एक मल्टी ब्रांड कमर्शियल व्हीकल का हमने डायग्नोसिस टूल खरीदा है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कम्प्लीटली डायग्नोसिस करते हैं सारी गाड़ियों का। तो मैं बताऊंगा किस तरह से हम डायग्नोसिस करते हैं चीजों को, इच एंड एवरीथिंग जो चीजें कि 100% सेटिस्फेक्शन हम इससे प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। कस्टमर हमारे बहुत सेटिस्फाइड कस्टमर ऐसे हैं जो कि हमारे डायग्नोसिस टूल से जो हमने परफॉर्मेंस किया है उससे काफी वो एग्री हैं और काफी वो हमसे सेटिस्फाइड हैं। तो अभी मैं जैसे कि मनीष ने आपको इसके बारे में कुछ ब्रांड्स वगैरह के बारे में बताया कि कौन कौन से ब्रांड्स पे यूज होते हैं, हम गाड़ी को चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ब्रांड को चेक करने से पहले पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस स्कैनर्स के अंदर क्या क्या डिवाइसेस दी गई हैं, तो वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये स्कैनर से कंपनी का नाम मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपको जो स्कैनर्स अगर चाहिए या रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे रख दीजिए और बेस्ट से बेस्ट प्राइस में, कम से कम प्राइस में आपको ये स्कैनर अवेलेबल होगा। हम दो यूज़र हैं, जैसे कि आप मुझे जानते हैं कि मैं आप मेरा वीडियोज़ वगैरह देखते हैं और मैं कौन सा डायग्नोसिस टूल प्रॉपर यूज़ करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको मैं डायग्नोसिस करते समय बहुत सारे एरर कोड आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, समझ में नहीं आता कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो मैं आपको उसके लिए भी हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये डिवाइस है जिसको मल्टीप्लेक्सर भी बोलते हैं, इंटरफेस भी बोलते हैं, बहुत सारे तरीके के नाम लेते हैं। इसमें ये बहुत सारी केबल्स हैं, ये ऑडी केबल्स हैं जो कि हम इसको इधर फिट करते हैं। यहाँ पे इसको फिट करने के बाद देन उसके बाद ये आपने देखा ओबीडी केबल जो कि गाड़ी के अंदर लगता है, और ऐसा इसमें बहुत सारी केबल्स हैं। जैसे ये आपने देखा ये इसका चार्जिंग केबल्स हो गए, इसको एडिशनल पावर देने के लिए ये यूज़ किया गया है, ये अलग अलग ब्रांड के लिए ट्रांसमिशंस को चेक करने के लिए हो गया। ऐसे बहुत सारे केबल्स हैं जो ट्रांसमिशन वोल्वो कौन कौन सी गाड़ियों में कौन कौन सा केबल यूज़ होना है, तो यहाँ पे ये केबल्स बहुत सारी अवेलेबल्स हैं। साथ ही साथ आपको सेंसर्स हो गया, वायरिंग डायग्राम्स वगैरह को आपको पिनों को चेक करना है, रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करना है, तो ये आपको एडिशनल पिनें भी इधर अवेलेबल्स हैं। तो आपको जैसे दिखाएंगे ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें कनेक्ट केबल्स भी हैं जो कि मर्सिडीज बेंज वोल्वो रेनॉल्ट इसुज़ू इन सभी में ये जो ओबीडी केबल्स है वो 99% सभी गाड़ियों में काम करेगी। अगर 1% काम नहीं करती तो आपका इन केबल्स का यूज़ करके आप डायग्नोसिस प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये तो हमने सब चीज़ देख ली है, लेकिन डिवाइस में गाड़ी जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या क्या चीज़ें और कैसे काम करता है। तो चलिए मैं गाड़ी में आपको उसका कनेक्शन दिखाता हूँ। और ये ब्लूटूथ, ये भारत बेंज की गाड़ी है 3123 गाड़ी है। हम इसका ओबीडी कनेक्शन हमने यहाँ पर फिट किया है। इसको इग्निशन करने के बाद यहाँ पर आपने देखा होगा इसमें पावर सप्लाई इसमें आ चुकी है, तो ये एसी और पीसी बोर्ड की पावर रहेगी। तो अभी हम लोग क्या है, हमने इसमें यूएसबी केबल नहीं लगाई है, यूएसबी केबल इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि ये ब्लूटूथ से हम लोग इसको यूज़ करेंगे, तो अंदर बैठ के भी आप काम कर सकते हैं।
है और आप यूएसबी केबल के थ्रू लैपटॉप में कनेक्ट करके भी चेक कर सकते हो और विदाउट यूएसबी भी इसको चेक कर सकते हो, यानी कि ब्लूटूथ से। तो हम जो चेक करेंगे वो ब्लूटूथ से करेंगे। जब आपको स्कैनर का रिक्वायरमेंट हो, आपको स्कैनर चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिए, आपको स्कैनर हम लोग अवेलेबल कराएंगे कि ये कितना प्राइस पड़ेगा, कितना प्राइस भी नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि आप सॉफ्टवेयर को उसको ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे अभी हम लोग जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको हमने ओपन किया है। हमने जो ये ओपन कर लिया है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे कमर्शियल ट्रक्स यानी कि ट्रक्स को चेक कर सकते हैं या बसेस को चेक कर सकते हैं या लाइट कमर्शियल व्हीकल को टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो चेक करेंगे वो कमर्शियल व्हीकल को चेक करेंगे। यहाँ पर इसमें इतने सारे मॉडल्स आते हैं, अशोक लीलैंड, इशुज़ू, मर्सिडीज बेंज, SML, भारत बेंज, महिंद्रा, मित्सुबिशी, टाटा, आइशर, मान, स्कैनिया एंड वोल्वो। लेकिन हम जो काम करेंगे वो चेक करेंगे भारत बेंज को, राइट। भारत बेंज का मॉडल कौन सा है वो हमें देख लेंगे। हमने बात किया था 3123 के अराउंड में, 3123 से गाड़ी, यहाँ पे 3123 आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3123 है, और यहाँ पे इसको 2 times टेप कर लेंगे। तो हमें क्या चेक करना है, अब कोई भी इतने इश्यू हैं इसके अंदर, MR, FR, INS, जैसे कि आपने देखा होगा इस गाड़ी के अंदर इतने सारे ECU अवेलेबल हैं, ABS, FR, INS, MR और SCR आफ्टर ट्रीटमेंट कंट्रोल यूनिट होता है, जो कि MR में भी चेक कर सकते हैं, इसको बाहर से भी यानी कि यूरिया वगैरह का जो चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, सिर्फ हमने ये एक FR ले लेते हैं हम, ये पावर ट्रेन ईसी होता है, CPC इसको बोलते हैं, कॉमन ट्रेन पावर कंट्रोल यूनिट होता है ये। तो अभी ये ओपन हो रहा है, आप देख लीजिए, तो यहाँ पे ये इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं, डायग्नोसिस, मेजरमेंट, कैलिब्रेशन, एरर क्लियर्स करना है, एक्चुएट कंपोनेंट्स करना है, डेटा रिकॉर्ड करना है, सिस्टम्स पैरामीटर्स वगैरह का आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम डायग्नोसिस में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या एरर कोड है। जैसे कि आपने देखा होगा 3130 कूलेंट लिक्विड लेवल फेलियर और एयर फिल्टर सेंसर पावर सप्लाई फेलियर, तो राइट, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ क्लच का कुछ काम हो रहा है, तो यहाँ पे ये ओपन सर्किट है, जो रिस्ट्रिक्शन सेंसर होता है एयर फिल्टर का, वो ओपन सर्किट है यहाँ पे। और तो इस तरीके से अभी इसमें क्या करना है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है इसके अंदर, ये देख सकते हैं, ट्रबल शूटिंग वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर। तो अभी ये इसमें यहाँ पे सारे स्टेप्स आ गए हैं, क्या क्या चीज़ चेक करना है, क्या क्या चीज़ आपको चेक। तो ये सारे इधर अवेलेबल हैं, आपको स्टेप बाई स्टेप आपको चेक करना है, चेक द फॉर क्रॉस ऑफ द कम कनेक्शन, चेक द प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ ईच ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इस तरीके से इसमें ये सारे स्टेप्स अवेलेबल हैं, आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं इसको। यहाँ पे सारा कूलेंट लेवल्स हैं, तो सारे स्टेप्स इसमें अवेलेबल्स हैं। तो ये एक स्कैनर्स है जो कि हमने आपको दिखाया है, और आज जैसे कि आपने नाम भी देख लिया होगा, पीछे लिख के भी आ रहा है। तो अगर आपको इसका रिक्वायरमेंट है, अगर आपको नीड है, क्योंकि आज के टाइम में डायग्नोसिस टूल बहुत ज़रूरी है, अगर आपको डायग्नोसिस टूल चाहिए या आपको कम प्राइस में चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कीजिए, और हम लोग आपको इस टूल के प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको कम से कम रेट पर प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।